जानते हैं। नहीं, उनके साथ काम करता हूँ। जैसे शाहरुख खान का चक दे इंडिया फिल्म सुना है? चक दे इंडिया का जो सेट, जो फिल्म देखा होगा कुछ लोगों ने, तो उसमें जो हॉकी के लिए वो सिखाते हैं, उनका बच्चे लोग आके एक डॉर्मेट्री में रहते हैं, ये सब सेट बनाना पड़ता है, क्योंकि शाहरुख खान इतना पॉपुलर है, कहीं बाहर जाएंगे तो बहुत गर्दी होता है ना, तो उसके लिए हम स्टूडियो के अंदर वो सेट बनाते हैं ताकि वो शूटिंग हो पाए। वैसे ही एक था टाइगर देखा है आपने, सलमान खान वाला? तो वो भी सेट, बहुत सारा सेट उसका बॉम्बे में हम बनाते हैं। तो मैं भी, आप जैसा इस गांव से है, मेरा जो गांव है ओडिशा में, ओडिशा जानते हैं आप? ओडिशा एक स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है ना, एक राज्य है, ऐसा और एक राज्य है ओडिशा। ओडिशा जो है, अगर ऐसा मैप है ना हमारा, ऐसा ट्रायंगल, एक साइड में महाराष्ट्र है तो उसका एकदम अपोजिट है। जैसे यहाँ सूर्योदय इधर होता है तो सूर्यास्त इधर होता है, तो वहां से सूर्य वो है ना, जो इंडिया के जो सात अजूबे जिसमें ताजमहल है, वैसा है कोणार्क मंदिर भी है, देखा है पत्थर का कोणार्क मंदिर, आप मैप में दिखा सकते हैं ओडिशा। इंडिया का सामने है, इकड़े ओडिशा, तो ओडिशा में, ओडिशा का इकड़े अपन आणि इकड़े ओडिशा, आपल्या बरोबर विरुद्ध बाजूला ते राहत, त्यांचा गाव आहे, ठीक है। तो वहां में समंदर के पास ही था, समंदर से 40 किलोमीटर दूर, बट बचपन से लेके 17 साल तक मैं कभी समंदर भी नहीं देखा था, तो मैं भी उस गांव के अंदर ही आसपास में ही, उधर के नदी में और उधर के स्कूल में पला बड़ा। बट जब मैं टीवी और सिनेमा देखा तो मुझे लगा कि दुनिया और भी कुछ बाहर है, कुछ सीखने की जगह है, तो मेरी ज्यादा रुचि जो है सिनेमा और आर्ट की तरफ आई। और जो मैं पढ़ रहा था स्कूल में, तो स्कूल में मेरे कोई टीचर को सिनेमा के बारे में, ड्रामा के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ना ही इंटरेस्ट था, तो मैं इसलिए वहाँ से एक तरह से भाग के आ गया बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे आके, बॉम्बे 93 भागना नहीं है, हाँ, तो यहाँ से भागने का भी बहुत लोग सोच रहे होंगे, तकलीफ आ गई। तो इस तरह से मैं वहाँ पे मेरा करियर के लिए, मैं जब 17 साल का था, जब मुझे मेरे करियर के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ सुविधा दिखाई नहीं दी, तब मैं लोगों से पूछ के कि कहाँ मैं कला सीख सकूं और अपना करियर उसमें बना सकूं, तो उस तरह से पूछताछ करते हुए मैं बॉम्बे पहुंच गया। और बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे काम सीखते सीखते, वहाँ पे कभी कारपेंटर के हाथ के नीचे, कभी पेंटर के हाथ के नीचे, जो जो काम करने का जरूरत होता है फिल्म सेट में, तो सबके अंडर में थोड़ा थोड़ा समय काम करते करते खुद से ड्राइंग प्रैक्टिस किया। जब देखा कि नहीं, इसके लिए बेसिक जो है ड्राइंग आना जरूरी है, तो ड्राइंग खुद से प्रैक्टिस करते करते सीखा। मतलब ऑब्वियसली अभी बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चर, ये जैसे घर बनाने के लिए भी कोई आर्किटेक्ट आके डिजाइन किए होंगे ना, तो उसका पढ़ाई है, तो उस पढ़ाई के जरिए बहुत लोग जाते हैं। बट मैं काम करते करते जो भी मेरे सीनियर थे उनके अंदर से मैं सीखा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से स्कूल में आना और बच्चों के साथ जो भी मुझे आता है शेयर करना। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, और वैसे बार बार हम आते आते और आपके साथ बहुत सारा नॉलेज देखेंगे, आपसे भी सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। ए, अगली करना किस किस को आते हैं?